सैमसंग ने फाइनली लॉन्च कर दी है सैमसंग A31 और आज ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस प्राइस रेंज में आपको सैमसंग A31 बाय करना चाहिए या नहीं। दोस्तों सैमसंग A31 सैमसंग का थर्ड चीपेस्ट फ़ोन है। अगर हम इसके लुक के बारे में बात करें तो फ्रंट साइड पे आपको नॉच डिस्प्ले प्रोवाइड किया जा रहा है इस प्राइस रेंज में, लेकिन अगर आप बाकी कंपनीज की तरफ जाते हैं तो आपको पंच होल डिस्प्ले प्रोवाइड किया जाता है, जो कि इस फ़ोन का एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, क्योंकि अब जो नॉच डिस्प्ले हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हो गए हैं। यहाँ आपको जो फ्रंट पे एक ही कैमरा मिल रहा है, सिंगल कैमरा जो कि है 20 मेगापिक्सल का। ओवरऑल अगर हम स्क्रीन उसके बारे में बात करें तो आपको 6.4 इंचेस की स्क्रीन मिल रही है, जिसकी जो रेजोल्यूशन है वो है 1080p। मतलब अगर आप कंटेंट एंजॉय करने के लिए फ़ोन बाय कर रहे हैं, यूट्यूब वगैरह, या अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए ले रहे हैं, तो आपको जो स्क्रीन मिल रही है वो है 1080p। दोस्तों यूजली जो हम बाकी फ़ोन्स देखते हैं उनमें आपको 720p की स्क्रीन जो मिलती है, लेकिन इस फ़ोन में 1080p है। दोस्तों बैक साइड पर आपको फोर कैमराज का सेटअप मिल रहा है। जो फर्स्ट कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का, सेकेंड कैमरा जो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, और जो थर्ड और फोर्थ कैमरा है वो है 22 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर कैमरा और मैक्रो लेंस। दोस्तों यहाँ पे जब आप 48 मेगापिक्सल से 8 मेगापिक्सल पे आते हैं और फिर 2 मेगापिक्सल पे, तो जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और आपको जो क्वालिटी है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे जो क्वालिटी है वो कैमरा में थोड़ी सी कम है। अगर हम बैक साइड पे जो मटेरियल यूज़ हुआ है उसके बारे में बात करें, तो यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है बैक में वो है ग्लास्टिक। दोस्तों ग्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो कि ना ग्लास में आता है और ना प्लास्टिक में। दोस्तों ये एक बीच का मटेरियल है, जब आप फ़ोन को सरफेस पे रखते हैं कवर के बगैर, तो इस मटेरियल में आपको स्क्रैचेस काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, जो कि आपकी जो लुक को बचा सकते हैं। आपको कवर यूज़ करने की नहीं ज़रूरत इस फ़ोन में। वेल दोस्तों अगर आप इसे दूर से देखेंगे तो आपको एक ग्लास्टिक नहीं बल्कि प्लास्टिक की लुक प्रोवाइड कर रहा है, जो कि इतनी ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। लेकिन बाकी सारे सैमसंग के मोबाइल्स में अगर आप देखें तो आपको तकरीबन लिया लेदर और प्लास्टिक ही देखने को मिलती है, लेकिन बाकी फ़ोन में आप अगर इसी रेंज में आए तो आपको ग्लास बैक देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ पे इस फ़ोन में नीचे आपको टाइप सी की केबल मिल रही है और एक हैंड्स फ्री जैक देखने को मिल रहा है। दोस्तों अब ये फ़ोन बेस्ड है एंड्रॉयड 10 पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी फ़ोन्स भी एंड्रॉयड 10 पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं इसके थोड़ी परफॉर्मेंस के बारे में बात करना चाहूँगा। दोस्तों इस फ़ोन में जो आपको प्रोसेसर मिल रहा है उसके अंदर जो चिपसेट है वो है मीडियाटेक की हीलियो P65, जो कि इस प्राइस रेंज में बहुत नॉर्मल चिपसेट है। अगर आप बाकी कंपनीज की तरफ जाते हैं तो आपको इससे अच्छी परफॉर्मेंस वाले प्रोसेसर मिल जाते हैं और ज़्यादा अच्छी चिपसेट मिल जाती है, जो कि आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस देंगी। अगर आप ये फ़ोन ले रहे हैं गेमिंग के लिए तो ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है इस प्राइस रेंज में। अगर आप बाकी कंपनीज की तरफ जाते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। अगर आप मल्टीटास्किंग लेते हैं, मतलब एक ही टाइम दो दो ऐप्स यूज़ करते हैं, इस फ़ोन में आपको काफ़ी ज़्यादा लैग देखने को मिल रहेगा। मतलब मल्टीटास्किंग आप नहीं कर सकते और गेमिंग आप नॉर्मली कर सकते हैं। अगर आप जाते हैं कंटेंट एंजॉय की तरफ तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो बैटरी टाइमिंग मिल रही है वो है 5000 mAh की, और आपको इस फ़ोन में मिल रहा है फेस आईडी भी मिल रही है और फिंगरप्रिंट भी मिल रहा है इन डिस्प्ले। अगर आप फिंगरप्रिंट यूज़ करते हैं तो इस फ़ोन का फिंगरप्रिंट काफ़ी ज़्यादा स्लो है, फेस आईडी भी स्लो है, तो अगर आप दोनों यूज़ करते हैं तो शायद कभी ये फ़ोन ओपन ना हो, तो आपको एक ही यूज़ करना पड़ेगा, जो कि कंपेयर करें बाकी फ़ोन्स के साथ जो थोड़ा सा इसका जो है फिंगरप्रिंट वो स्लो है। वेल यहाँ पे जो रैम है वो है 4GB, और अगर इसकी बैटरी टाइमिंग के बारे में बात करें तो पहले मैंने आपको बता दिया है कि 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि अच्छी बात है। अब यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो मैंने आपको बताया इतनी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, जिसका मतलब यही है कि वो बैटरी कंजप्शन भी कम करेगा और बैटरी इतनी ज़्यादा नहीं खाएगा। लेकिन यहाँ पे बैटरी भी बढ़िया और कंजप्शन होगी नहीं, तो बैटरी टाइमिंग आपको किसी भी नॉर्मल फ़ोन से ज़्यादा देखने को मिलती है। अब दोस्तों यहाँ रिव्यू के एंड पे अगर हम देखें तो आपको जो स्क्रीन है वो बड़ी भी मिल रही है और 1080 भी मिल रही है, और साथ जो आपको बैटरी टाइमिंग मिल रही है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मिल रही है। तो अगर आप ये फ़ोन लेते हैं अब नॉर्मल यूज़ के लिए, कॉन्टेंट इन्जॉय करने के लिए, डेली लाइफ में इसे पर्सनल यूज़ करने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप ये गेम लेते हैं एक गेमिंग फ़ोन के तौर पे,
तो ये फ़ोन थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ।